वधू के नौ पति के। आप कहीं जाना चाहते हैं चंद्रका जी? कहीं जाना है? नौ नौ प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा तो यहाँ से बोल रहे हैं, सोच के समझ के हाथ आपको उठाना है, ठीक है, मंजूरी देना है, मतलब नौ प्रतिज्ञा होना। चलिए पहली प्रतिज्ञा है, धर्म पत्नी मिले तो एकम जीवन मायो अद्यारो में तो मार्धांगनी घोषता। हाथ से धर्म पत्नी को अर्धांगनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखूंगा। जैसे सुई को चुभो ना, मान लो कितना दर्द होता है, वही दर्द पत्नी के ऊपर होना चाहिए। जो भी हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, ये पहला वचन हुआ आपका। दूसरा है, प्रसन्नता पूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ। जीवन के निर्धारण में उनके परामर्श को महत्व दूंगा। एक चक्कर से गाड़ी चलती नहीं है, डबल चक्कर लगाना पड़ता है, तो अब आपका दो पहिया हो गया। तीसरा, रूप स्वास्थ्य स्वभावगत गुण दोष अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा, उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा, स्नेह पूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। चौथा, पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा। अभी रुक ना, हाथ मिलाया है ना, हाथ मिलाया हो ना, मित्रता का ध्यान प्रतीक, तो मित्र बनकर रहूंगा, पूरा पूरा स्नेह देता रहूंगा, इस वचन का पालन पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर। मतलब क्या कहा गया, पति पत्नी के बीच में कोई बेईमानी नहीं होगी, पूरी ईमानदारी से साथ निभाना और अपने अपने वचन का पालन करना। अब पांचवा है, पत्नी के लिए जिस प्रकार, ये बहुत मुख्य बात है, लोग कहते हैं पत्नी व्रत धर्म, पत्नी व्रत धर्म, पति व्रत धर्म कोई नहीं कहता, कहता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है पत्नी व्रत धर्म, सब लोग सुनते हैं और कहते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया पत्नी व्रत धर्म। तो जिस प्रकार पति व्रत की मर्यादा कही गई है, उसी तीव्रता से स्वयं पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों से ही पर नारी से वासनात्मक संबंध नहीं जोड़ूंगा। अब छठवां है, गृह व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा, आमदनी और खर्च क्रम का क्रम उसकी सहमति से करने की गृहस्थोचित जीवनचर्या अपनाऊंगा। सातवां है, धर्म पत्नी की सुख शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने से अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। सब बात इसमें आ गया, एक भी नहीं छूटा, हाथ ऊपर किए। अब आठवां बात बहुत जरूरी, ये बताया गया, अपनी ओर से मधुर भाषण और श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूंगा, किसी के सामने पत्नी को लांछित या तिरस्कृत नहीं करूंगा। समझ गए ठीक से? बड़े मुश्किल से पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, अब होना भी चाहिए, ठीक है, प्रेम बढ़ाने के लिए झगड़ा होना चाहिए, लेकिन होते होते दरवाजा के बाहर गली में मत निकलना, रोड में। इनका बंदेज किया गया, घर में होते हैं तो घर ही घर में रहो, चार जन के बीच में गए फदियत हो जाएगा, हैं? आप दोनों को अच्छे लोग अच्छे नहीं कहेंगे, है ना, तो निंदा के पात्र बन जाते हैं। तो किसी के सामने लांछित कर रहे हो पत्नी को, नहीं, दोनों लांछित हो रहे हैं, ये बात तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। घर के बाद घर में ही निपटा लो भैया, हैं, बाहर जाने की जरूरत मत पड़े, ठीक है। अंतिम है नौवां, पत्नी के असमर्थ या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी नहीं रखूंगा। कितनी प्रतिज्ञा हो गया, मैं पूछ रहा हूँ यार, आप लोग बता दिए, ये गिनती क्यों रहा है, नहीं क्यों रहा है, मैं देख रहा हूँ। चलिए नौ प्रतिज्ञा भर के हुए, ठीक उसी प्रकार से नौ प्रतिज्ञा कन्या के भी है। कन्या भी अपने हाथ को ऊपर उठा के लोगों को बताएंगे, कह रही है जब वर अपने प्रतिज्ञा को मानने के लिए तैयार है तो हम किसी से कम नहीं है, हम भी नौ प्रतिज्ञा मानने को तैयार है।
कम से कम संजय को बोलना चाहिए तैयार हो। अभी तो हाथ में हाथ उठा रहे, अभी बोला ही नहीं, प्रतिज्ञा नहीं शुरू हुआ। चलिए स्वजीवना मिलित्वा भवता खलु जीवने भूत्वा चरधांग नित्यम निवस्यामि गृहे सदा। अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी, इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगनी बन कर रहूंगी। दूसरा, पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर सभी के साथ शिष्टता बरतूंगी, उदारता पूर्वक सेवा करूंगी, मधुर व्यवहार करूंगी। तीसरी, आलस्य को छोड़कर परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूंगी, इस प्रकार पति की प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करूंगी। चौथा है, पति से धर्म का पालन करूंगी, पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी, कपट दुराव नहीं करूंगी, निर्देशों के अविलंब पालन का अभ्यास करूंगी। पांचवा, सेवा स्वच्छता तथा प्रिय भाषण का अभ्यास बनाए रखूंगी, ईर्ष्या कुढ़ आदि दोषों से बचूंगी, सदा प्रसन्नता देने वाले बनकर रहूंगी। छठवा, मित्रही बनकर फिजूल खर्ची से बचूंगी, पति के असमर्थ हो जाने पर भी गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। सातवां, नारी के लिए पति देव स्वरूप होता है यह मानकर मतभेद भुलाकर सेवा करते हुए जीवन भर सकती रहूंगी, कभी भी पति का अपमान नहीं करूंगी। ताली दोनों हाथ से बजते हैं, है ना? एक हाथ में कहां बजेगा, इस कारण से दोनों के पल्ले क्या कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं। आठवां, जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र है उन्हें सेवा द्वारा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी। नौवां अंतिम है, परिवार के सदस्यों से मैं सुसंस्कारों का विकास तथा उन्हें सद्भावना के सूत्रों में बांधे रहने का कौशल अपने अंदर विकसित करूंगी। ये नौ प्रतिज्ञा दोनों के हुए, अब इनके साक्षी कौन है? जितने लोग बैठे हैं आपके साथ रहने वाले नहीं रहेंगे, तो साक्षी कौन है? अभी यज्ञ भगवान भूल जाते हैं, यज्ञ भगवान अग्नि के रूप में आपके साक्षी रहेंगे, ठीक है? दिन के समय भगवान सूर्य साक्षी रहेंगे और रात्रि के समय भगवान ध्रुव जो हमेशा उत्तर दिशा बैठे हैं, तीन साक्षी आपके हैं, ठीक है? तो अभी यज्ञ भगवान प्रस्तुत हो रहे हैं। आगे बढ़ जाओ भाई, दोनों आगे बढ़ो।